हेलो गाइस, वेलकम टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे मैच नंबर 8 फेयरब्रेक इन्विटेशनल T20 सीरीज का, जो कि स्पिरिट वुमेन वर्सेस सैफायर वुमेन्स के बीच में मैच है। शाम 5:30 बजे मैच होगा, दिन का पहला मैच होगा। ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है गाइस, जहाँ पर सारे ही मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर ये मैच होगा। उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूँ, जो भी हम वीडियो में मैं आपको जो भी एडवाइस आपको देता हूँ वो हमेशा काम करती है। ये आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। कल भी हमने एलिसा विलानी और इसके बारे में बताया कि लास्ट मैच में एक पे आउट हुई थी, लेकिन प्लेयर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सीनियर प्लेयर है। और आप यहाँ से देखो, दोनों ने 62-62 करके 133 का टारगेट है सिंगल हैंडेडली यहाँ पर चेस कर लिया था। तो इसलिए आप लोग जो लोग वीडियो देखते हैं अच्छी बात है, जो लोग वीडियो पे फोकस करते हैं। आप लोग मैच खत्म होने के बाद मुझे अपना रिजल्ट ज़रूर बताइए करिएगा कमेंट करके कि आपने कौन सी एडवाइस को फॉलो किया। बात करते हैं गाइस, देखो लास्ट के दो मैचेस, कल के जो दोनों मैचेस हुए थे इस वेन्यू पे, देखो जो शाम वाला मैच था यानी 5:30 बजे, ये वाला भी 5:30 बजे है, उसमें देखो क्या हुआ था। 147 का टारगेट दिया गया था, 3 विकेट गिरे थे और 120 पे जो चेस कर रही थी टीम वो कोलैप्स हो गई थी। यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर पहले मैच में चेजिंग नहीं हो पाई थी सिर्फ 27 रन से, और टीम जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। पहली पारी में देखो, राइट आर्म ऑब्रेक को मिला 1 विकेट, लेफ्ट आर्म चाइना मैन को मिला 1 विकेट और लेफ्ट आर्म मीडियम को मिला 1 विकेट। दूसरी पारी में राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर हैं उनको 4 विकेट मिले और जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं उनको यहाँ पर 5 विकेट मिले। तो ये एक सिनेरियो आपके पास ये हो गया। दूसरे मैच में गाइस जो रात वाला मैच था उसमें देखो क्या हुआ, 129 का टारगेट दिया, 5 विकेट गिरे और 133 ईजिली, जैसा मैंने आपको बताया, एलिसा विलानी और गैबी लुइस ने 62-62 बना के यहाँ पर टारगेट पूरा चेस कर दिया था। तो पहली पारी में देखो, राइट आर्म ऑफ स्पिनर को मिले थे 1 विकेट, लेफ्ट आर्म मीडियम को 2 विकेट और राइट आर्म मीडियम को 2 विकेट। गाइस अगर आप सेकेंड पारी में कोई विकेट नहीं गिरा था, अगर आप गाइस सीरियसली चाहते हो कि ये सीरीज से अच्छा गाइस आपके पास मौका नहीं है ग्रैंडली जीतने का, यहाँ पर ये ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर लोग लाइन से फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लाते हैं अलग अलग टीम के साथ। तो गाइस अगर आप चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, देखो बहुत सिंपल सा काम आपको करना है, ग्रैंड लीग आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये है मैच नंबर 8। आपको गाइस 7 और मैच जो हुए हैं उसकी वीडियो इसके नीचे मिल जाएगी लाइन से। आपको बस करना क्या है, वीडियो खोल के जाके देखना है और उसमें ये सिनेरियो लास्ट 2 मैच का जो मैं एनालाइज बताता हूँ ये आपको नोट कर लेना है एक जगह। अगर आपने गाइस ये कर लिया तो आपके पास 7 ग्रैंड लीग की टीम ये हो जाएंगी। इन 7 में से कोई एक ना एक टीम तो आपकी ग्रैंड लीग की चली जाएगी, क्योंकि आपको उसमें करना क्या है, ओपनर्स पे भरोसा करना है और कुछ जो ये वाले जो बॉलर्स हैं जो दोनों इनिंग में काम कर रहे हैं इन पर भरोसा करना है। तो आप आराम से यहाँ से 7-8 कॉम्बिनेशन मैंने आपको ऐसे ही दे दिए ग्रैंड लीग के। बात कर लेते गाइस प्लेइंग 11 की, तो देखो स्पिरिट 11 की तरफ से यहाँ पर आपको देखेंगे सारा ब्राइस ओपनिंग करती है नाटकम चैटनम के साथ। सोफिया डंकली गाइस लेग स्पिनर है, 3 ओवर डालती है और टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग भी करती हैं। बिस्मा मरूफ दिखेंगी, फिर निकोला कैरी राइट आर्म मीडियम है, 4 ओवर इन्होंने डाले थे और जो लास्ट का मैच था गाइस उसमें 2 ओवर डाले थे। यानी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ओवर कभी कभी कम भी हो जाते हैं। नाटिया बूस्टम ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, 2 ओवर इन्होंने डाले थे और जो गाइस कल का मैच था इसमें गाइस ये अनुराधा डोडलापुर ने इनको रिप्लेस कर दिया था। हालांकि इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, अनुराधा डोडा बल्लापुर ये गाइस बहुत बढ़िया प्लेयर है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सोफी एक्लिस्टन और ये बॉलिंग करें, लेकिन इन्होंने ना बॉलिंग करी ना बैटिंग, मतलब इनका कोई रोल ही नहीं था मैच में और हम इनको टीम में लिए थे इसी वजह से। अगर ये चलती तो हमारी सेम टीम जिसकी कैप्टन थी सोफिया डंकली और वाइस कैप्टन थी चमारी अत्तापतु, हमारी यही टीम ग्रैंड लीग जीत के लाती है आराम से। तो ये तो नहीं चली, इनका कोई रोल समझ में नहीं आया। सोफी एक्लिस्टन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, 3 ओवर डाले और उसके पहले मैच में 4 ओवर डाले थे। जीके दिव्या राइट आर्म ऑफ स्पिनर, 2 ओवर डालती है। शिजुका मियाजी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, 4 ओवर इन्होंने डाले थे और गाइस बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया था, 4 ही विकेट लेके गई थी ये, अभी आगे आपको बताऊंगा। खाका को आप सब जानते हो, साउथ अफ्रीका की प्लेयर है, राइट आर्म मीडियम 3 ओवर 4 ओवर फिक्स हैं इनके। छाया मुगल राइट आर्म मीडियम कल के मैच में खेली थी और 3 ओवर इन्होंने डाले थे। बैटी चैन लास्ट मैच में खेली थी, तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है और इन्होंने 2 ओवर डाले थे पहले मैच में और लास्ट मैच में इनको खिलाया नहीं गया था, छाया मुगल रिप्लेस कर गई थी। बात करते हैं गाइस देखो यहाँ से सैफायर के प्लेइंग 11 की, तो एलिसा विलानी ओपन करती हैं गैबी लुइस के साथ, दोनों ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर हैं आपको जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। ग्रेस हैरिस राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, 4 ओवर डालती हैं और टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग भी करती हैं। बेबे डी लाडे ये भी गाइस नीदरलैंड की प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर है, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिख जाएंगी। किम गार्थ राइट आर्म मीडियम 4 ओवर डालती हैं। कैरी चैन लेफ्ट आर्म मीडियम पहले मैच में 4 ओवर डाले, दूसरे मैच में 2 ओवर डाले। सना मीर ये इस टीम की कैप्टन है और पाकिस्तान की एक्स कैप्टन है, हालांकि कल के मैच में ये खुद ही नहीं खेली थी,
और जब भी मतलब ये खेलती भी है तो ये क्या है, दूसरों को मौका दे देती है। वही पर्पस है सीरीज़ का कि बड़े प्लेयर्स थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखें और जो नए प्लेयर्स हैं उनको आगे दें। तो पहले मैच में देखो इन्होंने एक ओवर डाला था, और लास्ट मैच में गाइस इनकी जगह किसको खिलाया था, मतलब इन्होंने अपनी जगह शिवानी भास्कर को चांस दिया था खेलने का। तैश फेरेंट लेफ्ट आर्म मीडियम में तीन ओवर डालती डालती हैं, चार ओवर तीन ओवर। शबनम स्माइल आप सब जानते होंगे राइट आर्म मीडियम में चार ओवर डालती है। मरियम ओवर राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, हालांकि पहले मैच में एक ही ओवर इन्होंने डाला था, लास्ट मैच में कोई रोल नहीं था। गीतिका कोडाली कंटिन्यूसली बॉलिंग करेंगे, पहले मैच में चार ओवर डाले राइट आर्म मीडियम में, दूसरे मैच में दो ओवर डाले। एमआलआई लास्ट मैच यहाँ पर खेली नहीं थी और पहला मैच खेला था तो इनका कोई रोल नहीं था। बात करते हैं गाइस इस वेन्यू के ऊपर परफॉर्मेंस की, तो देखो दो मैच हो चुके हैं। सॉरी मैं आपको यहाँ से गाइस पॉइंट्स टेबल के बारे में बताना भूल गया। पॉइंट्स टेबल की हालत देखो सबसे पहले आप, स्पिरिट वुमेंस ने गाइस दो मैच खेले उसमें से एक जीता है, और सैफायर्स ने भी दो खेले उसमें से एक जीता है, यानी दोनों एक एक मैच जीत के आ रहे हैं। तो गाइस बात करते हैं यहाँ से परफॉर्मेंस की इस वेन्यू के ऊपर, तो देखो स्पिरिट वुमेंस की तरफ से सारा ब्राइस ने यहाँ पर दूसरी पारी में सात किया है। स्पिरिट मूवमेंट ने गाइस जब इस वेन्यू के ऊपर दूसरी पारी में बैटिंग करी थी तो 79 पर टीम कोलैप्स हो गई थी, तो सात इन्होंने किया था दूसरी पारी में, 26 किया पहली पारी में। नेटकम चैटकम ने गाइस यहाँ पर देखो 21 किया है दूसरी पारी में, 25 किया है पहली पारी में। सोफिया डंकली भी उस मैच में अनलकी रही थी, 8 पे आउट हो गई थी और एक विकेट निकाला था, और कल यहाँ पर दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए 51 किया है और तीन ओवर ये भी डाल दिए, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी की पिक है। बिस्मो मरूफ एक डिसेंट बैटर है, आपको पहले बता चुका हूँ मैं कई बार, पाकिस्तान की कैप्टन है, 5 किया था पहले मैच में दूसरी पारी में। दूसरे मैच में गाइस 19 नॉट आउट रही थी यहाँ पर कल के मैच में। निकोला कैरी ने देखो पहले मैच 19 नॉट आउट रही, फिर यहाँ पर गाइस दूसरी पारी में एक विकेट निकाला और कल के मैच में भी यहाँ पर एक विकेट इन्होंने निकाला। बात करते हैं गाइस यहाँ से नटाया बूस्टम की, तो देखो दो ओवर इन्होंने डाले थे और दो रन किया था इन्होंने दूसरी पारी में यहाँ पर बैटिंग करते हुए। सोफिया एक्लिस्टन ने देखो पहले मैच में 5 रन किया दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए, पहली पारी में 3 विकेट निकाले और कल के मैच में यहाँ पर एक विकेट इन्होंने निकाला। तो गाइस सोफिया एक्लिस्टन को आप सब जानते हो नंबर वन बॉलर हैं, ODI नंबर वन बॉलर हैं और T20 फॉर्मेट में भी दूसरी तीसरी रैंक में है शायद, और ये नंबर वन पे आने से ना कोई नहीं रोक सकता, बहुत जल्द ये आने वाली है। तो कमाल की प्लेयर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। GK दिव्या 6 किया था दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए। शिजुका मियाजी ने गाइस यहाँ पर 4 किया था और यहाँ पर कल के मैच में दूसरी पारी में बॉलिंग करते हुए 4 विकेट यहाँ पर निकाले हैं। खाका ने गाइस यहाँ पर देखो पहले मैच में 6 रन किया विद द बैट और यहाँ पर एक विकेट निकाला हुआ है। छाया मुगल ने दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए यहाँ पर दूसरी पारी में बॉलिंग करते हुए यहाँ पर 2 विकेट निकाले हुए हैं। तो सैफायर वुमेंस का प्ले इस वैली के ऊपर परफॉर्मेंस, उससे पहले बता दूँ दोनों ही पारी में सैफायर वुमेंस ने दोनों ही मैच में यहाँ पर पहली बारी में बॉलिंग करी हुई है। तो देखो एलिसा विलानी ने गाइस यहाँ से 1 रन किया फिर 62 किया। गैबी लुइस ने यहाँ पर 22 किया फिर 62 किया। ग्रेस हैरिस ने यहाँ पर गाइस 1 विकेट लिया हुआ है। बेबेट डी लाडे 24 रन किए हैं। किम गार्थ ने 11 किए हैं। कैरी चन ने 0 किया फिर 1 विकेट लिया यहाँ पर। और सनामीर ने गाइस यहाँ पर 18 रन किए हैं विद द बैट। तैश फेरेंट ने गाइस 11 किया 2 विकेट निकाले। शबनम स्माइल ने यहाँ पर 1 किया और 3 विकेट निकाले। मरियम ओवर 2 नॉट आउट रही। गीतिका कोडाली भी 1 नॉट आउट रही, लेकिन दोनों ही मैच में 2-2 विकेट निकाल के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। MLI का गाइस एक मैच इन्होंने खेला था उसमें कोई रोल नहीं था, ना विद द बैट ना विद द बॉल। गाइस बाकी आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता दूं यहाँ से, ये तो गाइस प्लेइंग 11 जो है, जो मैंने आपको बताया प्लेइंग 11 और इस वेन्यू के ऊपर परफॉर्मेंस, ये अभी जो 2-2 मैच हुए इनके हुए हैं उसके हिसाब से है। अगर आपको लगता है गाइस कोई भी प्लेयर लाइनअप में नया आता है तो आपको सबसे पहले सीधे इस वीडियो के ऊपर आना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे नीचे तो मैंने गाइस यहाँ पर आपको रीसेंट T20 का फुल स्क्वाड का परफॉर्मेंस दिया है, यहाँ से स्पिरिट का भी दिया हुआ है और यहाँ से सैफायर का भी दिया हुआ है, किस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म है। अगर कोई नया प्लेयर आपको लगता है, जाहिर सी बात है हर मैच में आपको एक नया प्लेयर तो ज़रूर दिखेगा, क्योंकि इस सीरीज़ का पर्पस ही यही है नए प्लेयर्स को चांस देना है। तो अगर जैसे ही आपको कोई नया प्लेयर दिखता है आप इस वीडियो के ऊपर आइएगा और यहाँ से उसका रीसेंट T20 का परफॉर्मेंस देख लीजिएगा किस तरीके का वो करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सोचते हो कि कोई प्लेयर 1-2% सिलेक्शन का है, उसका ना मैंने कभी नाम सुना है ना मैं जानता हूँ तो मैं उसको क्यों लूँ, लेकिन ओपोनेंट ऐसा नहीं सोचते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में नॉलेज लेनी है, आप उसको ईजिली टीम में बिठा सकते हो और हो सकता है वही प्लेयर आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए गेम में। तो गाइज़ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई भी मैच हो हर मैच के आपको
सारे ही प्लेयर्स का। अब मैं क्या रोज़ रोज़ आपको पढ़ के नहीं बता सकता, इसलिए मैं वीडियो के नीचे डाल देता हूँ और आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बात करते हैं गाइज यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ की। यहाँ से गाइज आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है @bestfantasytips TIPSS। ये गाइज हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर गाइज आपको चाहिए स्मॉल लीग की टीम्स, IPL हो गए, फेयर ब्रेक हो गए, आयरलैंड ODD भी चालू हो गया आज से, अगर आपको स्मॉल लीग्स की टीम चाहिए हमारी, तो आप हमें @BFTFamily पर एक मैसेज कर सकते हो। हम एक छोटा सा सर्विस चार्ज लेते हैं और हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जिनको हम डेली अच्छे से अच्छा काम देते हैं। उसमें गाइज हम एक्सचेंज 22 के प्रॉफिटेबल पिक्स भी देते हैं, क्रिक क्वाड्रो के पिक्स भी देते हैं और कुबेरा डुओ के भी गाइज हम पिक्स देना शुरू करने वाले हैं। प्लस स्मॉल लीग टीम जो होती है वो हमारी मेन होती है, हम कभी ग्रैंड लीग के नाम पर लोगों को लूटते नहीं है कि भाई हम ग्रैंड लीग आपको जिता के देंगे। ग्रैंड लीग आपको कोई नहीं जिता सकता, अगर कोई कहता है तो गाइज वो फ्रॉड है, उसको पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम काम करते हैं स्मॉल लीग का, जहाँ पर आप डेली प्रॉफिट निकाल सकते हो और आपको इन्वेस्टमेंट से लेके हर चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। तो अगर आपको टीम्स चाहिए या कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए तो मुझे @BFTFamily के ऊपर मैसेज कर सकते हो। आप चाहते हो रिजल्ट देखना हमारा तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप सर्च कर सकते हो @BFTFamily, आपको वहाँ पर हमारे सारे रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। अभी मैं कुछ दिन से वहाँ पर एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है मैं वहाँ पर सारे रिजल्ट्स, अपने लेटेस्ट रिजल्ट जितने भी हैं वो सारे वहाँ पर डाल दूंगा। तो ये काम आप लोग करना, अगर आप चाहते हो टीम्स के लिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो BFTFamily को। थैंक यू।